तो गाइज अगर मैं आपको कहूं कि आप होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं वो भी 16 रुपीज पर मंथ में विद cPanel। मैं नहीं मानता। जी हाँ गाइस, एक कंपनी जिसका नाम है sarpedo.com, ये आपको ऑफर कर रही है 1 मंथ के लिए होस्टिंग वो भी 16 रुपीज में, क्योंकि इनका एक ऑफर चल रहा है जिसपे आप 16% ऑफ देख सकते हो। आप 40 रुपीज वाला प्लान अगर यूज करते हो, 40 रुपीज पर मंथ वाला, तो आप उसको ले सकते हो 1 मंथ के लिए सिर्फ 40 रुपीज में। और वहाँ पे अगर आप कूपन कोड इनका यूज करोगे तो आप वहाँ पे 60% का ऑफ देखने को आपको मिल जाएगा। और हाँ गाइज, एक सरप्राइज भी है इसी वीडियो में, आप में से 3 लकी व्यूअर्स को मिलेगा फ्री में होस्टिंग, यानी कि हमारी TI फैमिली के व्यूअर्स को मिलने वाला है फ्री में गिव अवे वाली होस्टिंग, वो भी 3 यूजर्स को एक एक महीने के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है, वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, कैसे आपको इसमें परचेस करना है, मैं परचेस करके भी दिखाऊंगा, और अपनी खुद की वेबसाइट यानी कि technicalinteract.store पोस्ट करके भी दिखाऊंगा। और हाँ गाइज, अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस हम लोग GT मैट्रिक्स पे देखेंगे और गूगल इंसाइट पे भी देखेंगे, और मैं आपको अपने सर्वर की पिंग भी चेक कराऊंगा, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये सर्वर कितना फास्ट और कितना रिलायबल है, और क्या ये लोग ऑफर प्रोवाइड करते हैं, क्या इन लोग का होस्टिंग लेना आपके लिए अच्छा होगा या खराब होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। तो गाइज, होस्टिंग लेने के बारे में आपको भी बताऊंगा कैसे लेना है, पहले मैं आपको इनकी सर्विसेज थोड़ी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज देखिए, इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है sarpedo.com, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। और हाँ गाइज, यहाँ पे आने के बाद आप इनसे डोमेन्स परचेस कर सकते हो, होस्टिंग परचेस कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप डोमेन्स में देख सकते हो बहुत सारे एक्सटेंशन ये ऑफर करते हैं, आप अपने डोमेन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और यहाँ देखिए .xyz 120 रुपीज़ में, .com भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकी होस्टिंग लेते हो तो आपको यहाँ पे .xyz और .com फ्री देखने को मिल जाएगा, अगर आप 1 ईयर के लिए होस्टिंग परचेस करते हो तो। और गाइस, चलिए मैं आपको इनके कुछ होस्टिंग प्लान्स के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग आपको शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और रीसेलर होस्टिंग, और यहाँ पे मास्टर रीसेलर होस्टिंग और अल्फा रीसेलर होस्टिंग भी ऑफर करते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर हम लोग जो क्रिएटर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि जो यहाँ पे वर्डप्रेस पे अपने ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं शेयर्ड होस्टिंग को, ताकि आपको ये अंदाज़ा मिल सके कि शेयर्ड होस्टिंग भी अगर आप परचेस करते हो तो आपके यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और हाँ गाइज, इनका जो ऑफर चल रहा है 60% ऑफ वाला मंथली प्लान्स पे, और यहाँ पे एनुअल प्लान आप परचेस करते हो तो आपके यहाँ पे 7% का ऑफ देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों कूपन कोड मिल जाएंगे, या आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो आप उसको यहाँ पे इंटर करके अपना डिस्काउंट ले सकते हो। तो गाइज, होस्टिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 GB की SSD स्टोरेज, और यहाँ पे फ्री XYZ डोमेन अगर आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहाँ पे 12 ईमेल अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्टर प्लान ही सिलेक्ट करूँगा, जो कि स्टार्टअप वाला प्लान है। तो मैं पहला प्लान यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें 10 TB की बैंड भी देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का डोमेन यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहें तो इनसे डोमेन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं .com यहाँ अपना यूज़ कर लेता हूँ, वैसे मैं अभी आपको इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ देखिए, हमारा बिलिंग अमाउंट 40 रुपीज़ हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनका कूपन कोड डाल देता हूँ, जिससे ताकि मुझे यहाँ पे 60% का ऑफ देखने को मिल जाए। यहाँ से भी आप अपने होस्टिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप शेयर होस्टिंग से चेंज करके क्लाउड होस्टिंग जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। ये लोग माइग्रेट करके भी देते हैं, बैकअप करके भी देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ देखिए, फ्री यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कोड वैलिडेट करा देता हूँ। ये देखिए, हमारा जो प्राइस अमाउंट हो गया वो 16 रुपीज़ हो गया। अब हम लोग चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको फुल एक्सेस मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, हम लोग sarpedo के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, आप यहाँ से अपने डोमेन और होस्टिंग को इजिली मैनेज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डोमेन को चेंज करके दिखाता हूँ। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट टीम से इजीली बात की और अपने डोमेन को इजीली यहाँ पे चेंज करवा दिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा समय वेट करोगे तो आपका जो प्राइमरी डोमेन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई वैसा सेटअप वैसे दिया नहीं है कि आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सको, आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गाइज, जब तक हम लोग का डोमेन यहाँ पे प्राइमरी डोमेन चेंज हो रहा है, तब तक चलिए हम लोग यहाँ पे Cloudflare का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइज, आपको सिंपली आना है Cloudflare की ऑफिशियल साइट पे, और सिंपली आपके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो अकाउंट करना बहुत ही सिंपल है इनके साइट पे, आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल देना है।
और सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो वेबसाइट का नाम है वो क्या है, तो चलिए मैं अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लान्स आ रहे हैं, आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए 0 रुपीज़ वाला प्लान है, फ्री वाला, आप इस पर क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू कर लीजिए। सो गाइस, हमारी जो साइट है वो सक्सेसफुली क्लाउडफ्लेयर में ऐड हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे DNS रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट DNS रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लेते हैं। सो गाइस, जो मेरा डोमेन है उसको मैंने होस्टिंगर से परचेस किया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे होस्टिंगर में लॉग इन करके इसके नेम सर्वर को चेंज कर देता हूँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर होस्टिंगर में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने डोमेन को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग DNS रिकॉर्ड और नेम सर्वर पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। फिर चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करिए। फिर यहाँ जो पार्किंग वाला नेम सर्वर, इसको हटा देते हैं। फिर गाइस, आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर पे आना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रिकॉर्ड को ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेम सर्वर को चेंज करते हैं। तो गाइस, यहाँ सिंपली आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। पहले हम लोग ये पुराना वाला जो रिकॉर्ड, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ ऐट द रेट में आपको यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा अपने डोमेन को, सिंपली आप यहाँ पे ऐट द रेट लिख दीजिए। सो गाइस, जो IP एड्रेस है वो आपके जीमेल पे आया होगा सार्पीडो की तरफ से, जो कि आपके मेन सर्वर का IP एड्रेस होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे IP एड्रेस को डाल देते हैं। सो गाइस, मैंने अपने सर्वर की IP यहाँ पे डाल दी है और सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। और गाइस, फिर आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पे CNAME नाम का रिकॉर्ड सेलेक्ट करिए। फिर गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है www। टारगेट में गाइस आपको यहाँ पे लिखना है अपने डोमेन का नाम, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ technicalinteract.store। फिर गाइस, यहाँ पे CNAME रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे parking.com वाले नेम सर्वर को हटा करके क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर को ऐड करना पड़ेगा, तो चलिए ऐड कर देते हैं। फिर सिंपली आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, हमारा जो नेम सर्वर है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, इसको अपडेट होने में 24 आवर्स का टाइम लग सकता है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डोमेन था वो भी सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो चलिए मैं आपके यहाँ पे cPanel में लॉगिन करके दिखाता हूँ। cPanel में लॉगिन करना बहुत ईजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक शॉर्टकट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज, हम लोग cPanel में सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा public.html की डायरेक्टरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपने वेबसाइट पे। सो गाइज, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में जाओगे, यहाँ देखिए वर्डप्रेस यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, या आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको वर्डप्रेस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए गाइज, हमारे सामने यहाँ पे वर्डप्रेस आ चुका है, तो चलिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने टाइटल और वेबसाइट की टैगलाइन सेलेक्ट कर ली है और सिंपली आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा वर्डप्रेस यहाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमारी साइट अभी शायद कनेक्ट नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए हम लोग थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा साइट कनेक्ट हुआ कि नहीं, फिर आपके यहाँ पे GT मैट्रिक्स की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और गूगल इनसाइट पे भी चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ पे पिंग भी चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की पिंग क्या आ रही है। सो गाइज, कुछ देर बाद हमारी साइट जो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये लीजिए, आपकी साइट सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है sarpedo.com पे। तो चलिए मैं आपको अभी इसका पिंग चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे विंडो R कमांड डालता हूँ और CMD को ओपन कर लेता हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है पिंग, फिर अपने साइट का नाम, तो गाइज आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं 291 मिलीसेकंड की यहाँ पे पिंग देखने को मिल जाती है। सो गाइज, ये तो बात हो गई पिंग की, जो कि पिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप 500 के अंडर में है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करेंगे इस पे कि आपको GT मैट्रिक्स की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप साइट का डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी मिनिमल सा है, अभी कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है। और चलिए हम लोग इस URL को कॉपी करते हैं और GT मैट्रिक्स के साइट पे चले जाते हैं और सिंपली आपको अपने वेबसाइट का URL यहाँ पेस्ट करना और टेस्ट पे क्लिक करना है। तो जब तक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, चलिए हम लोग गूगल इनसाइट पे चलते हैं और अपने वेबसाइट का URL यहाँ पेस्ट करना है और एनालाइज पे क्लिक करना है। हमारा फर्स्ट रिपोर्ट जनरेट हो चुका है और स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% स्ट्रक्चर है
और साइट आपका जो लोड होना स्टार्ट हो रही है वो आपका 0.6 सेकंड में लोड होना स्टार्ट हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं, 95% परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी सर्वर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। वैसे डिजाइनिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और चलिए हम लोग गूगल इंसाइट का आपको दिखा दें। देखिए मोबाइल में इसकी परफॉर्मेंस 99% है। गाइस आप ही सोचो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है, 99% गूगल आपको दे रहा है और डेस्कटॉप पे में 99% दे रहा है, यानी कि आपने क्लिक किया आपकी साइट ओपन। तो चलिए एक बार हम लोग चेक करके भी देखते हैं। जैसे मैंने आप लिखा 3, 2, 1, तो गाइस आपने देखा कितना फास्ट लोड हुई, यानी कि गाइज इनका जो सर्वर है काफ़ी बेहतर है और ये आपको 16 रुपीज़ में ओनली इतनी बेहतर होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको ये होस्टिंग कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतनी सी क्राइटेरिया है गाइज। और हाँ गाइज, विनर्स का अनाउंसमेंट नेक्स्ट संडे को होगा, यानी कि 8 अगस्त को, इसलिए आप जब कमेंट करेंगे तो आप ईमेल आईडी जरूर वहां पे इंटर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इजीली कूपन कोड सेंड कर सकूं। तो गाइस खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।